उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बाल मजदूरी की वजह से बच्चे अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से वंचित रह जाते हैं, इसलिए समाज में ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जागरूकता फैलाना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बाल मजदूरी कहीं ना कहीं बच्चों को उनके बचपन, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित करती है, जो कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्हें भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है, ऐसे में बच्चों को इनसे दूर रखने की जरूरत है ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार बाल श्रमिकों के परिवार को वैकल्पिक रोजगार मुहैया करा रही है, साथ ही बाल श्रम से विमुक्त बाल श्रमिकों को समुचित शिक्षा भी दी जा रही है ताकि वो शिक्षित नागरिक बन सकें व देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ये समस्त बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास हेतु ये आवश्यक है कि उनको बाल श्रम से दूर रखा जाए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार से शिक्षावृत्ति में लिप्त रहे, ऐसे बच्चे जो कि बाल श्रम में लिप्त रहे, ऐसे बच्चों को किस प्रकार से संस्थाओं द्वारा, सीडब्ल्यूसी द्वारा या संबंधित विभागों द्वारा उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा, परिचर्चा और एक पूरी गोष्ठी यहाँ पर आज होती है और उसी गोष्ठी में मुझे आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से संस्थाओं के या सीडब्ल्यूसी मेंबर्स के माध्यम से जो व्यवहारिक चीज़ें बताई गई हैं, ये दिक्कतें चाहे वो स्कूल के एडमिशन को लेकर, चाहे वो बच्चे के हेल्थ चेकअप को लेकर हो, उसके सर्जरी पार्ट को लेकर हो, या दूसरे मूल के रहने वाले ऐसे बच्चे जो यहाँ पर विषयवृत्ति या बालश्रम में पकड़े गए हों, उनको लेकर सरकारी योजनाओं से हम उनको किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें आ रही दिक्कतों का विषय, ये सारी चीज़ें आज गोष्ठी के माध्यम से चर्चा का विषय बना और निश्चित रूप से उस चर्चा में मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।